Hello friends, in this video we will discuss the market regulations of Alauddin Khilji. मैं ओपी सिंह इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मेडाइवल टाइम्स में अलाउद्दीन खिलजी ने एक तरह की ऐसी नीति अपनाई विच कैन बी टेकन एज ए वंडर ऑफ द एज, वंडर ऑफ द टाइम इन विच ही लिव्ड. तो जैसा कि आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वॉज ए सुल्तान ऑफ दिल्ली. अलाउद्दीन खिलजी वॉज ए सुल्तान ऑफ दिल्ली. ही रूल्ड फ्रॉम 1296 to 1316. अलाउद्दीन खिलजी वॉज ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल कॉमन सेंस. ही वॉज टोटली इलिटरेट बट ही हैड द विजडम एज टू एंश्योर द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. दैट्स वाई अलाउद्दीन खिलजी नीडेड द रिसोर्सेस. बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो was concerned for the well-being at least of his Muslim population. So Alauddin Khilji is known for the large-scale reforms in administration, in economy, in the empire. His concept of monarchy was a big departure from the earlier concepts of the monarchies or kingship. Here in this video, my discussion would be kept confined to the market regulations. हम market regulations के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे. Market regulations of Alauddin Khilji वो क्या थी और किस तरह से हम इन regulations को, market regulations का मतलब है बाजार नियंत्रण उपाय, बाजार नियंत्रण के उपाय. तो उसके बाजार नियंत्रण के उपाय क्या थे? एक तो ये था कि ही एस्टेब्लिश थ्री मार्केट्स और मंडीज. तीन मंडीज थी और मार्केट से तीन मंडी. एक में तो अनाज आदि बिकता था, दूसरी मंडी में पशु बिकते थे और तीसरी मंडी में कॉस्टली आइटम्स बिकते थे. एंड एवरी मंडी वॉज पुट अंडर द शहना. हर मंडी में शहना को नियुक्त कर दिया गया, बाजार नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ मार्केट्स, कंट्रोलर ऑफ मार्केट्स. बिसाइड शहना, द मंडीज, अदर ऑफिसर्स ऑफ मंडीज वर लाइक नाजिर. नाजिर वॉज द पर्सन हु वुड कीप कंट्रोल ओवर द वेट्स मेजरमेंट. एंड ए न्यू मिनिस्ट्री वॉज सेटअप नोन एज दीवाने रियासत. दीवाने रियासत, रियासत. अब इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्केट मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मार्केट रेगुलेशंस? तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मार्केट रेगुलेशंस मींस द कंट्रोल ऑफ सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइसेस. कंट्रोल ऑफ द सप्लाई, कंट्रोल ऑफ द प्राइसेस. जो चीज शॉर्ट सप्लाईज है जिनकी, उनकी सप्लाई को हम सुनिश्चित करें, सप्लाई लाइन मेंटेन करें. और फिर प्राइसेस का कंट्रोल उससे होगा. एंड देन other measures were also taken to control the prices, specifically in the environments of Delhi. ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि market regulation measures of Alauddin Khilji were confined to Delhi. ठीक है, Delhi में जो महंगाई थी वो बढ़ रही थी, there was inflation, क्योंकि दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान का पैसा लूट लूट कर लाया गया था. That's why the currency was in more circulation in Delhi and it made the living costly. जिनके पास पैसा था, दो नंबर का था, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती inflation के time में, लेकिन those who were not well off उनको बहुत परेशानी हुई. खास तौर से जो army men थे, जो common soldiers थे, soldier, उनको बहुत परेशानी हुई and their life was made very difficult. तो prices को control करने का मतलब नहीं है कि prices को low रखना था. प्राइसेस को कंट्रोल करने का मतलब ये था कि प्राइसेस को ऑप्टिमम लेवल पर रखना है. जो प्राइसेस दिल्ली के बाहर थे,
से फॉर एग्जाम्पल इन मेरठ या भटिंडा, जो प्राइसेस बाहर थे उन प्राइसेस के साथ उनका इक्विलिब्रियम बनाना था। ये नहीं कि कोई चीज़ टमाटर दिल्ली के बाहर 50 रुपये किलो बिकता है तो दिल्ली में हम उसे उसका 10 रुपीज़ केजी रखें, नहीं। द आइडिया वॉज बिहाइंड दिस टू कीप द कंट्रोल ओवर द प्राइसेस। कंट्रोल का मतलब नीचे रखना नहीं, केवल कंट्रोल का मतलब है कि इट शुड बी कैप्ट एट द ऑप्टिमम लेवल विद इन द लिमिट्स, रीजनेबल लिमिट्स। और इसका बैलेंस और हारमोनी किसके साथ होना चाहिए? जो आसपास के क्षेत्रों में प्राइसेस हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन द मार्केट रेगुलेशंस? मार्केट रेगुलेशंस मीन्स द कंट्रोल ऑफ द मार्केट्स, कंट्रोल ऑफ द मंडीज, कंट्रोल ऑफ द प्राइसेस, कंट्रोल ऑफ द वेट्स, मेजर्स एक्सेट्रा। उसके लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बना दी। ही एस्टेब्लिश्ड ए नंबर ऑफ द इन्फॉर्मर्स, उन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मर्स सेटअप कर दिए, दोज हु वुड बी कन्वेइंग द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट रेगुलेशंस, इन्फॉर्मर्स बना दिए। तीसरा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सिस्टम, कोर्ट सिस्टम, ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हम कह सकते हैं रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी, फूड सिक्योरिटी, स्टोरेज फैसिलिटी बना दी। ग्रेन वॉज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ राशनिंग सिस्टम को मजबूत कर दिया। एट द टाइम ऑफ द फैमिन्स, एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ग्रेन्स, एवरी फैमिली वुड गेट 20 शेयर ऑफ ग्रेन, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो बाहर का जो एरियाज है, दिल्ली के बाहर का सरप्लस एरियाज, वहाँ से सप्लाई लाइन मेंटेन की। सप्लाई लाइन मेंटेन करने के लिए वो एक ऑफिसर था जिसका नाम था दीवाने रियासत, ठीक है। और आपको ताज्जुब होगा कि देयर वाज ए लिमिट, जैसे बहुत सारे बाजार्स में लिमिट्स होती है कि आप 2000 रुपये से ज़्यादा का, 10,000 या एक दिन में इतनी शॉपिंग नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति अगर 1000 टंका वॉज सिल्वर कॉइन, उससे ज़्यादा की शॉपिंग करता था किसी भी बाजार से, तो हिज ट्रांजेक्शन हैड टू बी रिपोर्टेड, इट वॉज मैंडेटरी कि उसको रिपोर्ट करना पड़ता था, उसको बताना पड़ता था कि डियर वेयर डिड यू फाइंड दिस सोर्स ऑफ इनकम। आपकी सैलरी तो 10,000 है भाई, 10,000 टंकाज एनुअल सैलरी आपकी, और आपकी मैडम एक ही दिन में एक ही शॉप पे जाके 1,000-2,000 टंका ऐसी खर्च कर देती है, तो इसका मतलब है आपने 2 नंबर का पैसा छिपा रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मार्केट रेगुलेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज द वंडर ऑफ द एज इन विच ही लिव्ड। देयर वॉज ए परफेक्ट कंट्रोल ओवर द ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटियरिंग, स्पेकुलेशन, और बनिया जो थे मर्चेंट्स थे उनको इतना टेरराइज कर दिया गया था कि वो डरते थे, कांपते थे। अगर वो ज़्यादा महंगा बेस पे बेचते थे तो उनको पनिश किया जाता था। इफ़ दे वुड बी गिल्टी ऑफ शॉर्ट सेलिंग, अगर वो कम तोलते थे, अगर उनके वेट्स डिफेक्टिव होते थे, तो दे वर गिवन एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। और उसके लिए जो तीसरे प्रकार की जो मंडी थी, ये वाली जिसमें कॉस्टली आइटम्स बेचे जाते थे, इसे सराय अदल कहा जाता था। सराय अदल मीन्स प्लेस ऑफ जस्टिस। दुनिया में सबसे पहले अगर कंज्यूमर कोर्ट्स कहीं बने और किसी ने बनाए, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए। कंज्यूमर कोर्ट्स में ऐसे नहीं था जैसे आज के कंज्यूमर कोर्ट्स की फंक्शनिंग इंडिया में, द जजमेंट्स डिसीजंस वर गिवन वेरी स्विफ्टली, ऑन द स्पॉट डिसीजंस दिए जाते थे। तो ये थी मार्केट मैनेजमेंट की जो अटेम्प्ट थी अलाउद्दीन खिलजी की। वी कैन सम अप इट
In short, that Alauddin Khilji's market regulations no doubt were meant to provide army, to maintain army at the lower salaries, at the prevailing salaries, but at the same time, the common people also did enjoy the benefits of the market regulations. इसी के साथ हम ये वीडियो अपना कंक्लूड करते हैं. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें. यू कैन ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर्स. वी विल कम बैक विद येट अनदर वीडियो ऑन एनी अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द हिस्ट्री एंड कल्चर सेगमेंट. थैंक यू वेरी मच.